वेलकम बैक टू दिस न्यू video, वीडियो रैपिड video. वीडियो थैंक यू सो मच फॉर your लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल my अर्लियर videos. मैंने ऑलरेडी दो वीडियो डाल दिया प्लीज अभी अभी के YouTube चैनल में देख लो का tax mentor. सब्सक्राइब करना मत भूलना. भर भर के videos आ रहे हैं और आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी में सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14 तीन सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट सेक्शन 12 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सेक्शन 13 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेक्शन 14 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ये तीन चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन आई uh, मीन I mean, सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन थर्टीन सेक्शन फोर्टीन एंड तक देखिएगा वीडियो और अच्छे से देखिएगा पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ सप्लाई चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ अभी बना रहा हूं मैं टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा देखना एंड तक देखना ताकि फुल कॉन्फिडेंस से आप अपना लास्ट तक का जो एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक कर पाओगे ठीक है गाईस? तो चलो स्टार्ट किया जाए टाइम और सप्लाई और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दू फाइनल का ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड फॉर सी एम ए फाइनल एक्सक्लूसिवली बैच सी एम एल स्टूडेंट्स के लिए होगा टर्म एज वेल एज जून ट्वेंटी टू टर्म अगर आपको एडमिश के रिलेट कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोई भी क्वेरीज है तो नीचे दिए हुए टिकर को फॉलो करते रहिए कॉल करिए नाइन डबल जीरो सेवन नाइन डबल टू जीरो नाइन थ्री और ईमेल अस एट निकुज गोइंग का क्लासेज द रेट जी मेल डॉट कॉम चलिए सर स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर बात करता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में किस तरीके से जीएसटी लेवल होगा मीन टू से किस पॉइंट पे जीएसटी लाइबल होगा यह बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई किस पॉइंट पे जीएसटी लाइबल होगा यह बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई इसी के बारे में बात करता है किस पॉइंट पे जीएसटी लाइबल होगा तो सेक्शन नंबर ट्वेल्व बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सेक्शन नंबर थर्टीन बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सेक्शन नंबर फोर्टीन टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तो चलिए सर सेक्शन नंबर ट्वेल्व का सब सेक्शन वन यही बोलता है कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स विल डिपेंड अपन टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन ट्वेल्थ सबसेक्शन टू बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इनकेस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज जहां पे जीएसटी लाइबिलिटी सप्लायर पे होती है हो, और रेसिपे से कलेक्ट करके जीएसटी गवर्नमेंट को देता है तो सप्लायर को जानना है कि कब जीएसटी दे रहे उसे तो ट्वेल्थ सबसेक्शन टू फॉरवर्ड चार्ज बोलता है

इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जिस दिन आपने एक्चुअल इन्वॉइस इश्यू किया और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस विच इज रिक्वायर टू बी इशूड इसका मतलब पेमेंट अगर पहले रिसीव कर लिए तो आपको पेमेंट डेट नहीं मानना है अभी भी गवर्नमेंट इस पर एग्जिबिशन देके रखी है याद रखिएगा सर ठीक है नेक्स्ट आपको याद रखना है सर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर टू बी शूट ऐसे तो इनवॉइस चैप्टर का बात करता है लेकिन छोटा सा भी आप बता देता हूं डिपेंड्स अपॉन मैनी सिनेरियोस अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो इनवॉइस कब तक इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स गुड्स जब आपने रिमूव किया उसके पहले आपको इनवॉयस इशू करनी पड़ेगी अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है मतलब बायर सेलर सेलर बायर को मूव नहीं करा रहा है बायर सेलर से मूव नहीं करा रहा गुड्स मूवमेंट नहीं हो रही है इन दैट केस जिस दिन आपकी गुड्स डिलीवरी हो गए या फिर आपने रेसिपेंट को मैडेवलप कर दिया उसके पहले आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट है कंटिन्यूअ सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट मतलब जिस दिन या तो आपने पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव कर लिया या तो आपने पीरियोडिकली स्टेटमेंट इशू कर दिया इसमें से जो भी पहले होगा उसके पहले तक आपको इन्वॉइस इशू करना

इनवॉइस वॉयस इशू करने का लास्ट डेट है इसमें और एक प्रोविजन है अगर एक्सेस अमाउंट अप टू थाउजेंड रुपीज ओवर एंड अब द इनवॉइस वैल्यू आपने रिसीव किया एज अ सप्लायर तो अप टू थाउजेंड रुपीज अगर आपने एक्सेस रिसीव किया तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी दी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लाई दैट मे बी ऑन द डट वेन यू एक्चुअली इशू द इनवॉइस फॉर दैट बैलेंस अमाउंट ठीक है मतलब नेक्स्ट जब आप रेस करेंगे तब आपको टू थाउजेंड तक का जो टैक्स आपने पहले रिसीव इनवॉइस वैल्यू जो आपने पहले रिसीव कर लिया है इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो आपका नेक्स्ट बिल का डेट होगा जो आपका नेक्स्ट इन का डेट होगा याद रखिएगा सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स

को तो इस दिन पेमेंट डेबिटेड टू बैंक इज बिकॉज सप्लायर जब कर रहा था तो क्रेडिट जब रेसिपेंट पेमेंट कर रहा तो डेबिट होगा टू बैंक ऑफ अकाउंट बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस इश्यूड बाई द्लस थर्टी फर्स्ट डे फ्राम द डेट ऑफ इन वॉस इश्यूड बाई दप्लायर तो सप्लायर कोई भी बिल देगा उस डे दे से थर्टी फर्स्ट डे में आ जाइए इन दोनों डेट तीनों डेट में विचेर विल बी लाइबिलिटी टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन ट्वेल्व थ्री देन आता है ट्वेल्व फोर गुड सप्लाइड थ्रू वाउचर्स

ये हुआ अपना ट्वेल्थ सबसेक्शन फोर नेक्स्ट आता है रेसिडुअल केसेस इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन ट्वेल्व टू थ्री एंड फोर देन आपके ऊपर रेसिडुअल केसेस एप्लीकेबल होगा ट्वेल्थ सबसे दैट ऑल्सो डिपेंड्स वेदर यू आर रिक्वायर टू फाइल अ पेरियोडिकल रिटर्न और नॉट इफ यू आर रिक्वायर टू फाइल अ पेरियोडिकल रिटर्न जिस दिन आपने रिटर्न जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा अदर केसेस हुआ तो जिस दिन आपने जीएसटी पेमेंट किया है उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे गाइज आई एम बींग दिस इज रैपिड रिविजन दिस इज समथिंग फास्ट वी आर डूंग सीएम फाइनल स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना इंडायरेक्ट टैक्सेज का जो मैं समरी करवा रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है ठीक है सर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ सेक्शन सिक्स

दैट पर्टिकुलर अमाउंट एंड आपको बताया गया यू विल ऑलवेज अज्यूम द इंटरेस्ट मिल्टी फी डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो भी आपको मिला अगर आपको सेपरेटली सम में नहीं दिया है तो इनहैंसमेंट इन वैल्यून अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फॉर डिलेट पेमेंट ऑफ कंसेशन विल बी द डेट ऑन विच यू एक्चुअली रिसीव द एडिशन इन वैल्यू सो विद्लीट सेक्शन फोर ट्वेल्थ सबसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है

आई मीन थर्टीन सबसेक्शन थ्री कि आपका जो सर्विस है जो आपने सप्लाई किया है, क्या उसका इन्वायस हैव यू इशूड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन इफ यू हैव इशूड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस गाइज इफ यू इशूड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्पलीशन ऑफ सर्विस द इन वॉयस तो इन वॉयस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अलीर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई क्योंकि आपने इन वॉयस थर्टी डेज के अंदर इशू कर दिया लेकिन अगर आपने इन इन थर्टी डेज के अंदर इशू नहीं किया तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा पेमेंट डेट और कंप्लीशन डेट विच अवर इज इयर मतलब सर पेमेंट डेट दोनों में कॉमन है इनवॉइस डेट अगर अपने टाइमली इशू कर दिया विद इन थर्टी डेज फ्रॉम ऑफ कंप्लीशन तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज विच अवर इज अर्लियर और अगर अपने कंप्लीशन डेट रिपीट अगर अपने अगर अपने कंप्लीशन मतलब इनवॉइस अगर थर्टी डेज के अंदर इशू नहीं किया तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट अर्लियर होगा यहां पर नहीं याद रखिएगा यहां पे कोई भी तरह का एग्जिमशन नहीं है ऑन द खाली गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है के केस में नहीं होता देन कम्स थर्टीन टू के बाद ट इज रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर जैसे ट्वेल्थ थ्री में आपने पढ़ा थार्टी फर्स्ट डे और डेट ऑफ पेमेंट मेड बाई द रेसिपेंट दैट इज पेमेंट एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिट टू बैंक अकाउंट उसी तरीके से सर्विस में जो रिवर्स चार्ज है सेक्शन थर्टीन थ्री थोड़ा बहुत ट्विस्टेड है बट है ऑलमोस्ट से डेट ऑफ पेमेंट जो रेसिपेंट जो पेमेंट करेगा जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी रिवर्स चार्ज में ठीक है टाइम ऑफ सप्लाई लेकिन नेक्स्ट डेट क्या है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉर्स बाय सप्लायर प्लस सिक्सटी फर्स्ट डे डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वर्स ऑफ सप्लाई प्लस सिक्सटी फर्स्ट डे सिक्सटी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस बाई द सप्लायर सिक्सटी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन्वर्स बाय द सप्लायर जो सिक्सटी फर्स्ट डे जाकर होगा उसी दिन टाइम ऑफ लाइबिलिटी होगा जो सिक्सटी फर्स्ट डे जाकर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी डेट या डेट ऑफ पेमेंट विचेवल है मतलब इस केस में सर जो थर्टी फर्स्ट था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में अंदर रिवर्स चार्ज ट्वेल्व थ्री यहाँ पे सिक्सटी फर्स्ट डे है और कुछ नहीं है सर ठीक है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवर्स चार्ज में खाली दो डेट अपने को देखना पड़ता है ठीक है इसी का प्रोवाइजो में लिखा है कि इफ यू इंपोर्ट याद रखिएगा एसोसिएट इंटरप्राइज से अगर अपने कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सप्लाई है सेवन वन आपको पढ़ा दिया गया था वेदर नॉट इन दर्स ऑफ द ऑफ बिजनेस और अगर आपको पैरा फोर ऑफ शेड्यूल वन याद है कि अगर आप इंपोर्ट

जब आपने इंपोर्ट करे फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज सर लास्ट लास्ट का जो तीन है थर्टीन सबसेक्शन फोर थर्टीन सेम एज ट्वेल्थ सबसे दैट इज सर्विसेज सप्लाई कर रहे वाउचर्स के थ्रू इशू ऑफ वाउचर किए तो जिस दिन आपका आई मीन सप्लाई आइडेंटिफाइबल तो जिस दिन आपका वाउचर इशू uh, किया आपने उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा सिमिलरली अगर आपने वाउचर सप्लाई जब जब वाउचर के थ्रू आपने सप्लाई किया दैट इज नॉट एट ऑल आइडेंटिफाइबल टू डेट

कि मतलब इसमें आपको क्या चेक करना है इसमें यू हैव टू चेक पेमेंट डेट एंड यू हैव टू चेक इनवॉइस डेट एंड यू हैव टू चेक सप्लाई डेट फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई डेट चेक करेंगे सप्लाई अगर चेंज के पहले है तो व्हाटएवर व्हाटएवर बी द केस यू हैव टू चेक टू अनदर डेट्स देन इनवॉइस डेट एंड पेमेंट डेट If invoice or payment any of the date has is coming before this change. If invoice or payment date is coming before this change, before this change, to तो invoice date agar pehle है और payment date agar invoice ke baad I mean invoice date agar change ke pehle hai payment date change ke baad hai to invoice date will be the time of supply. और अगर payment पहले है और invoice change के बाद है, तो payment date will be time of supply. और अगर invoice और payment दोनों change के बाद है, तो whichever is earlier. Sorry, hope you understood.

टाइम ऑफ सप्लाई इवन इफ पेमेंट इज रिसीव पहले और अगर पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है चेंज के बाद और इन्वॉयस अगर पहले इशू हो गया है तब भी पेमेंट डेट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई और अगर चेंज के बाद सप्लाई हुआ है बट अगर मान लीजिए पेमेंट और इन्वॉयस दोनों चेंज के पहले हैं तो विच एवर इजर्यर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई सर एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन दर रेगुलर क्लासेज ये एक रैपिड रिविजन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा जिनको एक बार टॉपिक आता है बट उनको एक रिविजन चाहिए उनको एक ओवरऑल एक तो कोई चाहिए कि एक सर पूरा रिविजन कर पाए आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के समय आप उसको ट्रैवलिंग के समय आप उसको कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी रहो कहीं पे भी सिचुएशन में आप इजीली इस चैनल को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा मज़ा उठा सकते हो लुफ्ट उठा सकते हो सारे वीडियोस का जो मैं शॉर्ट बना रहा हूँ मेरा इंटेंशन इज नॉट टू टीच मेरा इंटेंशन इज़ टू मेक यू अवेयर और मेक यू रिवाइज द टॉपिक्स मैं इंटेंशन इज़ नॉट टू टीच आई एम नॉट टीचिंग आई एम रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स ठीक है तो कॉम्पोजिशन की ऑलरेडी था प्लीज़ देख लेना सप्लाई ऑलरेडी था प्लीज़ देख लेना और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का जो सॉरी टाइम ऑफ समझा दिया, ठीक है? तो सेक्शन बारह सेक्शन तेरह सेक्शन चौदह आप ऑलरेडी समझ लिए होगा चौदह में याद रखना है सप्लाई अगर पहले हो रहा है तो जो पहले होगा तो हो तो हो वो मान लेना सप्लाई अगर बाद में हो रहा है चेंज के बाद तो जो बाद में होगा वो मान लेना और दोनों अगर पहले दूसरा इवेंट में हो रहा है तो विच एवर ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो सो दैट आई बी हैप्पी एंड आई मेक मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू इन द कमिंग डेज ठीक है स्टे स्टे सेफ एट होम एंड भूलना ऑनलाइन क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लुफ्त उठाइए प्लीज़ कहीं पे भी लाइव मत जाइए अपना घर पे बैठ के पढ़िए दट इज द बेस्ट वे ऑफ टीच अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर डेफिनेटली वेरी यू नो सेविंग योर टाइम ऑन दिस गाइस ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड येस सी एम ए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू नो प्लीज फ्री टू रीच आउट टू मी आई विल बी डी बी यू आउट इन एनी पॉसिबल मैनर इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा सी एम ए फाइनल का कोर्स है उसका एडमिशन से ऑलरेडी स्टार्टेड डिसंबर ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी टू टर्म के लिए फुल रिकॉर्डेड आपको मिलेगा फ्रेश आपको मिलेगा उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा नीचे टिकर बॉक्स में यू कैन कॉल एंड यू कैन रिप्लाई एंड यू कैन अस वॉट एवर डिटेल्स यू सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो देखते रहना लाइक करना मत बोलना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बोलना बाय बाय